गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो क्वेश्चन दिए उनका आंसर लिखने हैं। ए पार्ट है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप आर डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। मैप के 3 मेन कंपोनेंट पार्ट्स कौन से हैं, उसके डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल इसका आंसर है। बी पार्ट, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 डायरेक्शंस कौन सी है, द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सी पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ मैप। आंसर है इसका, द स्केल ऑफ द मैप इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस का और जो मैप पे दी जाती है उसको स्केल बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैप बेस्ड ऑन द स्केल, लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। डी पार्ट, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन ग्लोब। मैप्स ग्लोब से ज्यादा हेल्पफुल कैसे है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस पे मैप होता है, बनाया जाता है किसी भी छोटी जगह का या बड़ी जगह का। लेकिन इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन द राउंड शेप एंड स्केल इट। ग्लोब को इम्पॉसिबल है फ्लैटन, देयरफॉर मैप्स आर मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। Between a map and a plan, the difference between a map and a plan is given below. Map, map और plan में क्या अंतर है? A map is a representation or a drawing of Earth's surface or a part of it drawn on the flat surface according to the scale. Map होती है representation किसी भी जगह की एक surface पर। प्लान इज अ ड्राइंग और अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान एक ड्राइंग होती है किसी भी जगह की। नंबर दूसरा पॉइंट है, मैप्स गिव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। मैप हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन देती है उस जगह के बारे में, अर्थ के उस टुकड़े के बारे में। प्लान गिव्स कन्फाइंड इंफॉर्मेशन। प्लान हमें कन्फाइंड इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एरिया के बारे में। एफ पार्ट, विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप्स हमें आंसर है इसका, लार्ज स्केल मैप्स हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। सिंबल्स कैसे मदद करते हैं जी पार्ट मैप रीडिंग में। सिंबल्स के बिना तो हम मैप का कोई यूज ही नहीं है। सिंबल्स रिप्रेजेंट रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइंस एटसेट्रा। सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं जो रोड्स है, ब्रिजेस है, ट्रीज है, उनके लिए सिंबल होते हैं। थ्रू सर्टन लेटर्स, शेड्स, कलर्स एंड पिक्चर्स, कोई शेड बनाते कोई कलर जो इन सबको रिप्रेजेंट करता है। इन दिस वे सिम्बल्स आर ए कन्वीनियंट मीनिंग ऑफ रीडिंग मैप्स। और इस तरह से जो सिम्बल्स है मैप की रीडिंग आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। इन आंसर्स में से आपको सही आंसर चुनना है। ए पार्ट है, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्टर्स आर। जिन मैप से हमें फॉरेस्टर्स का पता चलता है वो कौन से है, इन तीनों में से कौन से ही है, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल मैप। द राइट आंसर इज थीमेटिक मैप। बी पार्ट, द ब्लू कलर इज यूज फॉर। ब्लू कलर का यूज किस लिए किया जाता है माउंटेन्स में, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स या प्लेन्स। आंसर इज वाटर बॉडीज। सी पार्ट, ए कंपास इज यूज। कंपास का प्रयोग कब हम करते हैं, इसका आई पार्ट आंसर है टू शो सिंबल्स। दूसरा टू फाइंड मैप मेन डायरेक्शन। टू मेजर डिस्टेंस, आंसर है इसका टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। डी, ए स्केल इज नेसेसरी। एक स्केल नेसेसरी होती है किस लिए, फॉर ए मैप, फॉर ए स्केच, फॉर, इन तीनों में से स्केल का यूज किस में किया जाता है, फॉर ए मैप। ये क्वेश्चन आंसर थे बेटा मैप्स के, इनको अच्छे से याद करना, समझना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।